हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में रिलेटेड हैं और हम आपको हेल्थ के बारे में सिंपल भाषा में ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग की, खर्राटे लेने की। क्या आप जानते हैं कि स्नोरिंग क्यों होती है, स्नोरिंग क्या है, आवाज आती है तो क्यों आती है, और ये क्या एक सिम्टम है, क्या ये एक बीमारी है, और क्या इससे आपको खतरा हो सकता है, क्या इससे आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, इसके कारण क्या क्या है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या आप ये सब चीजें जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपका काम है ये वीडियो फिर हर उस इंसान को भेजना जिसको स्नोरिंग हो सकती है क्या होती। तो आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वीडियोस हैं आपके देखने के लिए, चैनल पर जाके जरूर चेकआउट करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, स्नोरिंग या खर्राटे लेना ये एक सिम्टम है, एक साइन है, ये बीमारी नहीं है, बीमारी का अंदेशा हो सकता है। और स्नोरिंग क्यों होती है? स्नोरिंग होती है जब भी आपकी सांस लेने वाली जो रास्ता है, नलियां हैं, उनमें कहीं भी अगर ब्लॉकेज आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, छोटा हो जाए, तो स्नोरिंग हो सकती है। खास करके उसके ऊपरी हिस्से में अगर कोई भी रास्ता छोटा हो जाता है और उस छोटे रास्ते में जो अपर साइड ऊपर के हिस्से के जो सांस की नली के वॉल्व हैं, वो फिर क्या होते हैं, हवा के साथ एक दूसरे से टकराते हैं और वाइब्रेट करते हैं। इस तरह जब वाइब्रेट करते हैं तो स्नोरिंग की आवाज आती है, जो टिपिकल आवाज है ये वाली। ये आवाज इस वजह से आती है क्योंकि इस तरह से आप अपने नाक के अंदर, इसके अंदर चीजों को इस तरह वाइब्रेट कर सकते हैं। कई दफा स्नोरिंग खतरनाक भी हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि स्नोरिंग क्यों क्यों हो सकती है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो जिस तरह हमने देखा, ऊपरी हिस्से में आपकी सांस की नली में अगर कोई भी ब्लॉकेज आ जाए, कोई भी दबाव आ जाए, कोई ऐसी चीज जो फंस रही है, तो उस वजह से वाइब्रेशन से स्नोरिंग हो सकती है। और ये सबसे कॉमन है मोटे लोगों में, क्योंकि मोटापे के साथ साथ सारी चीजें मोटी होती हैं और आपकी नेक की, गले की और ऊपरी सांस के एरिया के आसपास की जो मसल्स हैं, जो वॉल्व हैं, वो भी मोटी हो जाती हैं, तो रास्ता पतला हो जाता है। साथ ही आपकी जबान, जीभ भी मोटी हो जाती है। तो एक सबसे कॉमन, जो सबसे जरूरी कारण आपको समझना है स्नोरिंग का, वो ये है कि जब आप सीधा लेटते हैं तो आपकी जीभ जो है वो पीछे गिर सकती है, लेकिन नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि आपकी जबान को एक मसल टोन है, उसमें उसके अंदर टोन है, वो टोन के वजह से उस मसल की टोनिंग के, वो मसल के जो फॉर्म है, उस टोन के वजह से मसल जो है पीछे नहीं गिरती। लेकिन उम्र के साथ साथ या मोटापे के साथ ये जो जबान की साइज है, मसल है, टोन है, वो खराब हो सकती है उम्र के साथ, और टोन कम हो सकती है। इस टोन कम हो जाने की वजह से आप जब सीधा लेटते हैं तो सीधा लेटने पे आपकी जबान पीछे गिर सकती है, और जब वो पीछे की तरफ गिरेगी तो पीछे की तरफ सांस की नली को दबाएगी, छोटा करेगी और स्नोरिंग कर सकती है, खर्राटे की आवाज आ सकती है। यही चीज होती है जब आप एंटीहिस्टामिनिक या कोल्ड की, एलर्जी की दवाएं लेते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, तब ये मसल टोन वीक हो जाती है और जबान पीछे गिर जाती है और स्नोरिंग होती है। या फिर अगर आपने नींद की दवाई ली है, सेडेटिव ली है, तो भी यही चीज हो सकती है। या फिर आप अगर रात को अल्कोहल, दारू पी के सोते हैं, तो भी दारू पी के सोने वालों के साथ टोन कम हो जाएगी और वो टंग पीछे गिर जाने की वजह से स्नोरिंग हो जाएगी। सो एक ये बड़ा कारण है कि मसल जो टंग के आसपास जो सपोर्टिव मसल है, उसकी टोन वीक हो जाना। कभी कभी ये टेम्पररी होता है और बुढ़ापे में ये परमानेंट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मोटापे में टंग भी भारी हो जाती है। टंग भारी, मोटापे में जो आपकी जबान है वो भारी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, और भारी जबान पीछे आराम से गिर सकती है ना, और यहां तक कि जबान के पिछला हिस्सा मोटा हो सकता है,
और उस वजह से भी ब्लॉकेज आके स्नोरिंग हो सकती है मोटापे की वजह से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके नाक में या नेजल पैसेज में या मुंह के अंदर ओरल पैसेज में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाए या कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो भी उसके वजह से ऊपरी सांस की नली में ब्लॉकेज आने की वजह से स्नोरिंग हो सकती है। सो क्या क्या हो सकता है? आपके नाक के अंदर जो सेप्टम है, दोनों नाक के छेदों के बीच में जो एक कार्टिलेजिनस सेप्टम है वो टेढ़ा हो सकता है। इसे डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। इस टेढ़े या इस तरफ टेढ़े सेप्टम के वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। या नाक के अंदर जो जगहें हैं, इन नाक के अंदर की जगह में कोई नेजल पॉलिप या कोई एक ग्रोथ आ सकती है, वो ग्रोथ के वजह से ब्लॉकेज और स्नोरिंग हो सकती है। या फिर सिंपल एलर्जी या कोल्ड की वजह से नाक में कंजेशन होने की वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर भी अगर समझ लो आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में सूजन आ जाए या मुंह के अंदर जो छोटी जीवान कहते हैं छोटी जीवान कहते हैं वो यूवुला उसमें सूजन आ जाए तो भी वहां पर उसके वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। इसके अलावा जो मुंह के पिछले हिस्से में टॉन्सिल्स है, एडिनोइड्स है, बच्चों में खासकर छोटे बच्चों में इस चीज के वजह से स्नोरिंग होती है जहां पे टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स बड़े बड़े हो जाते हैं, इंफेक्शियस या इन्फ्लम होके बड़े हो जाते हैं, उस वजह से स्नोरिंग होती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं स्नोरिंग के खर्राटे लेने। तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर इनमें से कौन सा कारण है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी जांच करेंगे और पता करेंगे कि किस कारण की वजह से आपके केस में खर्राटे या स्नोरिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि खर्राटे लेना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि खर्राटे या स्नोरिंग स्लीप एपनिया का एक सिम्टम हो सकते हैं। स्लीप एपनिया एक डेंजरस बीमारी हो सकती है। स्लीप एपनिया का मतलब यह है कि आपको खर्राटे लेते समय या आपके पैसेज जो है, एयरवेज जो है, सांस की जो नलियां हैं उसमें इतना ब्लॉकेज हो जा रहा है कि आपकी सांस सोते सोते रात को 10 सेकंड के लिए रुक जाती है। आप सांस लेना बंद कर देते हैं 10 सेकंड या उससे ज्यादा। और जब ऐसा होता है तो आपका ब्रेन सिग्नल करता है कि भाई क्या हो रहा है, तो आप एकदम से गैस्प करके उठते हैं और आपको पता नहीं चलता और आपकी नींद टूट जाती है और फिर आप सो जाते हैं और फिर खर्राटे लेते और फिर यही होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है रात भर। इस वजह से रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती, रात में बार बार जागना पड़ता है। रात में नींद नहीं आएगी तो आप दिन भर टायर्ड होंगे, आप थके हुए होंगे, आपको दिन भर नींद आएगी, दिन में कभी भी आंख लग जाएगी, कोई भारी सामान, भारी काम, भारी मशीन, ड्राइविंग या ऐसा कोई भी काम करते हुए भी नींद आ सकती है। तो ये डेंजरस हो सकता है। इस वजह से स्लीप एपनिया एक डेंजरस चीज है जिसे जल्द से जल्द ट्रीट करना जरूरी है। और ये आजकल बहुत कॉमन है, इसके टेस्ट भी हैं, स्लीप स्टडी करा सकते हैं। उससे रात में आपको हॉस्पिटल के अंदर या आपके सोते समय टेस्ट किया जाता है कि सोते वक्त आपकी जो सांस है वो 10 सेकंड के लिए इस तरह से रुकती तो नहीं और ऐसा साइकिल तो नहीं होता। सो स्लीप स्टडी से पता किया जा सकता है कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA भी कहा जाता है। सो स्लीप एपनिया बहुत डेंजरस चीज है, तो इस चीज के लिए भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। खास करके अगर आपको अटेंशन, मेमोरी या कंसंट्रेशन के इश्यूज हैं कि दिन में आपका अटेंशन नहीं हो पा रहा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप बहुत टायर्ड रह रहे हैं, आपको चक्कर आते हैं, ड्राउजी हैं और रात में सो नहीं पाते, खर्राटे लेते हैं, मोटे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करिए तुरंत। या फिर आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो भी ये स्लीप एपनिया का या स्नोरिंग के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो ठीक है, इसके अलावा ये सब ठीक है,
पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लेवल पे अगर आप खर्राटे लेते हैं तो, जिससे कि आपको खर्राटों से आराम मिल सकता है। उसमें सबसे बड़ी सबसे जरूरी चीज है वेट लॉस, लूजिंग वेट, वजन कम करने से खर्राटे कम हो जाएंगे, नो डाउट, सबसे अच्छा इलाज। दूसरा, सीधे मत लेटिए, या तो टेढ़ा लेटिए, साइड में सोइए, या फिर सर के नीचे तकिए रख लीजिए, सर ऊपर कर लीजिए, बेड एंड, हेड एंड जो होता है बेड का वो ऊपर कर लीजिए। इसके अलावा रात को दारू मत पीजिए, ड्रिंक मत करिए, एंटी हिस्टामिनिक सिडेटिव्स, नींद की दवाइयां, सर्दी की दवाइयां, कोल्ड की दवाइयां रात में लेनी अवॉइड करनी, अगर जरूरत है तो ही, वरना मत लीजिए। और एंटी स्नोरिंग डिवाइसेस आते हैं आजकल, वो डिवाइसेस आप यूज कर सकते। यहां तक कि कई लोग जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उनको सीपैप, एक प्रेशर के साथ ऑक्सीजन वाली मशीन लेके सोना पड़ता है, ताकि उनको वो 10 सेकंड के स्पेल्स ना आए रात में, क्योंकि वो डेंजरस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई बात सारी खर्राटे के बारे में, स्नोरिंग, स्नोरिंग के बारे में। तो अगर आपके कोई भी सवाल है इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में, तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करिए। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए हेल्थ टॉपिक्स पे, जेन्युइन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए, सिंपल हिंदी इंग्लिश भाषा में बताई गई है। सो जरूर देखिए, जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, क्योंकि तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई है, और आप का फर्ज बनता है, अब आप हमारी मदद करिए इस चैनल को प्रमोट करने में। जितने आपके दोस्त रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, उन्हें कहिए कि चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, अगर उन्हें पसंद है तो और आगे शेयर करें। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, और